जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिवम्बिका जी ऑल इन वन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज रिव्यू करने वाली हूँ मैं लैक्मी 95 सीसी क्रीम के चारों ही शेड का। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, बट जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था चारों ही शेड को पिक करो देन उसका डेमो दो, तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने चारों ही शेड बाय कर लिए हैं। एंड वन बाय वन हम सभी शेड के बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे कि कौन सा शेड परफेक्ट है आपके लिए। बिकॉज अगर आप रॉन्ग शेड पिक करते हो तो उससे क्या होता है, या तो आपकी स्किन जो बहुत ज्यादा व्हाइट नजर आती है या फिर आपका मेकअप काला पड़ जाता है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसी। सीसी में होता है कलर करेक्टर, मीन ये इंस्टेंट आपकी अनइवन स्किन को इवन टोन देता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ब्राइटन अप दिखाता है, साथ ही सन से भी प्रोटेक्ट करता है, मीन जो सन की हानिकारक किरणें होती है उनसे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ये आता है SPF 30A++ के साथ में। नाउ बात कर लेते हैं क्रीम के चारों शेड्स के बारे में, बट उससे पहले आपका एक कॉमन क्वेश्चन रहता है उसका मैं रिप्लाई करना चाहूंगी। एंड इस वीडियो में आपके सारे ही क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाली हूँ, जैसे कि लड़के इस क्रीम को लगा सकते हैं क्या, या इस क्रीम को हम डेली यूज कर सकते हैं क्या, ये क्रीम हमको गोरा बनाती है, दाग धब्बों को कम करती है, जितने भी क्वेश्चन है सभी का रिप्लाई करने वाली हूँ। बट एक कॉमन क्वेश्चन है उसका मैं पहले ही रिप्लाई करना चाहूंगी, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं दी हमारी स्किन ड्राई है तो हम कौन सा शेड पिक करें, हमारी स्किन ऑयली है तो हम कौन सा शेड पिक करें। तो डियर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, ये जो क्रीम है इसके शेड जो आते हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो आपकी स्किन की कलर के अकॉर्डिंग है। मीन आपका रंग गोरा है तो उसके लिए अलग शेड है, आप सांवले हैं तो अलग शेड है, आपका रंग काला है तो अलग शेड है, गेहूं स्किन के लिए अलग शेड है। मीन ये जो शेड है ये आपके रंगत के अकॉर्डिंग आपको पिक करने हैं, ना कि आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। स्किन टाइप जो होती है, बेसिकली हमारी जो स्किन होती है वो 5 तरह की होती है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन, राइट। तो ये जो शेड है वो आपको कलर के अकॉर्डिंग पिक करने हैं, ना कि स्किन के अकॉर्डिंग। बट हाँ, एक जो प्रॉब्लम होती है जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो हमेशा बोलते हैं दी इसको लगाने के बाद स्किन बहुत ज्यादा ड्राई लगती है क्या। अगर ऐसा होता है, इसको ही नहीं किसी भी क्रीम को लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, तो उससे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो भी प्राइमर लगा रहे हैं, जो भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, तो उसमें आप सम ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन मिस कर लेंगे, या फिर आप इस क्रीम में भी ग्लिसरीन की कुछ बूंदें मिस करके लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। एंड जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, एंड स्पेशली जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमेशा पैस्ट टेस्ट जरूर करें। इवन आप सभी को कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले पैस्ट टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी क्रीम लेनी है एंड अपने फेस पे यहाँ पर आप थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करके देखेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और आप देखेंगे कि आपको किसी तरह की कोई इरिटेशन नहीं हो रही है या फिर किसी तरह की कोई इचिनेस तो नहीं हो रही है, तो दैट्स मीन वो क्रीम आपको सूट कर रही है। अगर ऐसा होता है कि आपको रेडनेस हो रही है या इचिंग हो रही है तो आप उसको यूज ना करें। प्लीज वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें सारे ही मैंने क्वेश्चन को कवर किया है, जिसके बाद आपको नीड नहीं होगी किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछने की। बट हाँ, फिर भी आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेस शेड के बारे में, और ये स्किन का फर्स्ट शेड है जो कि होता है फेयर टू वेरी फेयर स्किन के लिए। मीन आपकी स्किन गोरी है या बहुत गोरी है तो ये शेड परफेक्ट है आपके लिए। नाउ उसका डेमो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्रीम को अप्लाई करने का भी एक सही तरीका होता है, वो भी आपको बताऊंगी, बट उससे पहले शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक सुपर ऑफर, जहां पर आपको 1000 रुपीज़ की ड्रेस मिलने वाली है जस्ट 600 रुपीज़ में। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए आप मेरे लिंक के थ्रू अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको मिलने वाला है 40% का डिस्काउंट, जस्ट आपने यूज़ करना है कूपन कोड इससे से 40। एंड इसके अलावा भी आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट पर भी मिल जाएगा 40% का डिस्काउंट। ना उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसको आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर फिंगर से, जैसे मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। तरीका वही है कि जितने आप छोटे डॉट अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो बेस है वो उतना ज़्यादा स्मूथ बनेगा, क्योंकि अगर मेन चीज़ वही होती है, अगर आपने ब्लेंड अच्छे से नहीं किया, आपका बेस सही नहीं है, तो फिर आपका मेकअप जो फेक लगता है। एंड आप डे में अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत कम क्वांटिटी आप लेंगे, नाइट में कर रहे हैं तो आप ज़्यादा अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। एंड आप देखेंगे कि किस तरह से आप अप्लाई कर लेंगे, एंड अंडर आई एरिया जो होता है आँख के पास, आपने देखा मैंने किस तरह से लगाया, आँख के अंदर ना जाए, बट डार्क सर्कल जो होते हैं ना फिर वो दिखते हैं, तो उस जगह पे आप इसके डबल लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाँ, नेक को बिल्कुल भी अवॉइड। नाउ फ्रेंड, बात कर लेते हैं इसके सेकंड शेड के बारे में, विच इज हनी। जो हनी शेड होता है वो होता है फेयर टू ब्यूटी स्किन के लिए। मीन आपका जो कलर है फेयर है या फिर आपकी स्किन थोड़ी सी गेहुआ है, तो दिस इज परफेक्ट शेड फॉर यू। नाउ उसका डेमो देख लेते हैं। फ्रेंड, मैंने स्क्रीन के चारों शेड को यूज़ किया एंड मैंने नोटिस किया कि चारों शेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको वन बाय वन क्लियर किया है कि कौन सा शेड कौन से स्किन के लिए है, बट पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन गेहूं है तो आपको यही वाला शेड यूज़ करना है। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी स्किन गेहूं कलर की है
तब भी आपको हनी या बेस शेड जो होता है वो सूट करता है, ठीक है। तो बहुत बार आप ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने इसको अप्लाई किया तो मैंने नोटिस किया कि मुझे बेज भी सूट कर रहा है एंड मुझे जो हनी शेड है वो भी बहुत अच्छे से सूट जा रहा है, व्हिच इज ब्रोंज। एंड ये होता है विटी टू डस्की स्किन के लिए, मीन आपका जो कलर है वो गेहूं है या फिर आपकी जो रंगत है थोड़ी सी सांवली है, तो ये परफेक्ट है आपके लिए। ब्राउन शेड को अपने हाफ फेस पे अप्लाई करूंगी एंड हाफ फेस पे मैं आमंड अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियरली पता चल पाए कि ब्राउन या आमंड में कितना डिफरेंस है। एंड एक क्वेश्चन आप हमेशा पूछते हो कि कितने टाइम के लिए क्रीम स्टे करती है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप धूप में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स, अदरवाइज ये जो क्रीम है 7 to 9 आवर्स तक बहुत अच्छे से स्टे करती है। एंड फ्रेंड जिसका लास्ट 4 शेड है वो है आमंड शेड, और ये होता है डस्क स्किन के लिए, मीन आपकी स्किन सांवली है या फिर आपका कलर जो है वो डार्क है, तो ये परफेक्ट है आपके लिए। ना उसका डेमो देख लेते हैं। फ्रेंड मैंने ऑलरेडी अपने हाफ फेस पे ब्राउन शेड अप्लाई किया हुआ है, देन हाफ में मैं आमंड अप्लाई करने वाली, बिकॉज मुझे खुद भी देखना था और आपको भी दिखाना था कि एक्चुअल में दोनों शेड में कितना डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी कि चारों ही शेड में का जो कलर है आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा अलग है, एंड जो आमंड है वो सबसे ज़्यादा डार्क है। बट जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे ब्रोंज एंड आमंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बेज और हनी में बहुत माइनर सा है, उसी तरह से इसमें भी है। आप खुद देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सेम ही शेड है। एंड हाई कवरेज के लिए आप इसमें फाउंडेशन मिक्स करके भी लगा सकते हैं, एंड इसको सेट करने के लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपको नीड है तो आप करें, मैं नहीं यूज़ करती बिकॉज मुझे लगता है कि इससे अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है। नाउ फ्रेंड बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड ये जो क्रीम है ये मेरी वन ऑफ फेवरेट ब्यूटी प्रोडक्ट में से एक है, बिकॉज ये इंस्टेंट आपकी स्किन में ग्लो लेकर आता है एंड साथ ही आपके दाग धब्बों को कम करता है, आपकी स्किन को इवन स्किन टोन लुक देता है। एंड एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं दी क्या ये क्रीम गोरा बनाती है, तो फ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जस्ट एक मेकअप प्रोडक्ट है। मीन जब कभी हम जल्दी में होते हैं या फिर हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल लगती है और हमें चाहिए होता है कि इंस्टेंट कुछ हमें ऐसा मिल जाए, हम फटाफट रेडी हो जाए और हमारे दाग धब्बे भी हाइड हो जाए और हमारी स्किन भी ग्लो करे, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि ये आपकी स्किन को यू नो फेयर बनाएगी या फिर ये आपके दाग धब्बों को कम करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ आपके दाग धब्बों को छिपाती है ना कि कम करती है। बट अगर आपको बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं तो ये इसको हाइड नहीं करती, आपको थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं तो ये इसको हाइड करती है, तो आप इसके सेकंड ईयर भी लगा सकते हैं। एंड इसको यूज करने का भी एक तरीका होता है, अगर आप इसको दिन में यूज कर रहे हैं तो आप इसकी बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी यूज करेंगे, बहुत थोड़ी सी क्रीम लेके अप्लाई करेंगे। आप डेमो में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। एंड अगर आप नाइट फंक्शन के लिए लगा रहे हैं तो आप इसकी थोड़ी ज्यादा अमाउंट लेके अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसके बाद आपको किसी भी मेकअप की नीड नहीं होती अगर आपकी स्किन थोड़ी सी भी हेल्दी है। एंड इट्स ओके अप टू यू, आप चाहें तो और भी मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं मोस्ट ऑफ टाइम इसी को अप्लाई करती हूँ, मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगते हैं। एंड फ्रेंड आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या बॉयज को यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये महिला और पुरुष सभी के लिए है, बॉय एंड गर्ल दोनों इसको यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपने पूछा था कि दी क्या इसको हम एज अ डे क्रीम यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको एज अ डे क्रीम यूज कर सकते हैं, बट बिफोर गोइंग टू बेड डेफिनेटली आप इसको रिमूव करना होगा, मीन सोने से पहले इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपने से पूछा था कि दी हमें एक्ने पिंपल है तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, तो फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है तो आप इसको ओकेजनली यूज कीजिए, कभी कभी कहीं जाना है तो, अदरवाइज डेली बेस पे आप इसको यूज ना करें। फ्रेंड अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है तो आप डेली बेस पे एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, अगर आपको वो सूट नहीं करता तो आप पपाया जेल भी यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि हम इसको कहाँ से बाय करें, तो इजीली मार्केट में कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाती है, अगर आपको वहां से नहीं मिल पा रही तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, मैंने ये अमेजन से परचेज की है तो आप भी वहां से परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड इसकी प्राइसिंग की हम बात करें तो 30 ग्राम की जो क्रीम है वो 299 रुपीज में आती है, बट ऑनलाइन आप देखेंगे तो आपको ना काफी डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आप डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं, जब भी ऑफर हो तो उस टाइम में आप परचेज कर लेना। एंड इसका जो एक मिनी पैक आता है वो आई थिंक पहले तो 99 में आता था, बट अभी वो 110 या 120 में आता है, तो आप देख लेना। सो फ्रेंड दैट्स ऑल अवर टुडेज वीडियो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, कुछ रह गया हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बी पॉजिटिव बी हैप्पी, लव यू ऑल।